हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट। और आज जो है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट का एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है। कैंडिडेट्स जो है वो ऑलरेडी बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस वगैरह जैसे कोर्सेज कर चुके हैं। वो पछाती जो है परीक्षा देकर बाहर आने शुरू कर, चलिए उनसे बातें करते हैं कि किस तरह का पेपर पोस्ट ग्रेजुएट में पूछा जाता है। पेपर रहा बढ़िया रहा पेपर। आपने क्या करा है, बीएमएस या बीएमएस? हमने बीएचएमएस करा है। बीएचएमएस करा है, कहाँ से किया आपने? हमने हाल ही होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दरभंगा से किया है, बिहार यूनिवर्सिटी है। अच्छा, इसमें कितने सवाल आपने बनाए? हमने 9 सवाल छोड़ दिया है, थोड़ा सा टाइम की कमी के बिना पर। 111 किए, 111 नंबर भी अच्छा है, उम्मीद करते अच्छा ही होगा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पेपर का? ठीक है, यहाँ का पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं? नहीं, हम लोग का जो एमडी लेवल का क्वेश्चन है तो उसी हिसाब से होगा ना। रिसर्च है, रिसर्च वाली बात है, और बहुत ही माइक्रो और नैनो लेवल पर काम होता है मेडिसिन का, डिजीज का। अच्छा, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन होता है, उसी हिसाब से। आपने 111 111 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा आपने, क्वेश्चन आपको कैसा लगा? इजी वन या फिर जो आप जो पढ़ रहे थे आप यूजी के प्रोग्राम? हम लोग जो रेगुलर स्टडी में है, जो डिजीज़ है, जो मेडिसिन है, उसी के बारे में, लेकिन डीपली पूछा जाता है। अच्छा, डीपली, क्योंकि ये रिसर्च यूनिट होता है इसलिए डीपली क्वेश्चन होता है। ठीक है सर, आप तो पोस्ट ग्रेजुएट का एग्जाम दे रहे थे। यस, ओके। आने वाले कैंडिडेट्स के लिए कुछ फीडबैक देंगे कि कैसे तैयारी करें इसके लिए? आने वाले कैंडिडेट के लिए यही है मेरी एडवाइस, सलाह, मशवरा कि वो डीपली पढ़ें और जो पढ़ें उसको याद रखें, क्योंकि बिना याद के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगेगा कि जानते हैं बट वो कर नहीं पाएंगे। डीपली नॉलेज होना चाहिए। कोटेशन जो होता है, हमारे बड़े बड़े ऑथर जो हैं, जो फिलोसफर हैं, उनका वो कोटेशन याद रखना पड़ेगा कि रूब्रिस में क्या कहा है, मेट्रिका मेडिका में क्या कहा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ये सब बताना, याद करना पड़ता है। ओके सर, मैं आपके सक्सेसफुल कैरियर के लिए विश करता हूँ सर, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। बीएमएस। अच्छा, ओके। आपने कहाँ से करा था सर बीएमएस? सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज। ओके, दरभंगा। कैसे क्वेश्चंस रहे सर? क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छे थे। और कोई फीडबैक देंगे जो अपकमिंग कैंडिडेट्स होंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए? तैयारी अच्छे से कीजिए, सिलेक्शन आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अच्छा, अगर तैयारी अच्छे से करते तो पढ़ते तो कोई मुश्किल नहीं है निकालना। जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में वो जो आप बीएमएस के टाइम पे पढ़ते हैं? जी, पूरा मॉडर्न कुछ रहते हैं क्वेश्चन, मॉडर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहते हैं और कुछ जिससे यूनानी से रहते हैं। अच्छा, यूनानी से ज़्यादा क्वेश्चन यूनानी से होते हैं, मॉडर्न से कुछ जो एनाटॉमिकल बेस्ड होते हैं या फिर फिजियोलॉजिकल बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है क्वेश्चन का? जो भी क्वेश्चन मतलब वो ड्रग बेस्ड जो भी है वो आपको यूनानी से ही रहते हैं। अच्छा, जो 120 क्वेश्चन है उसमें क्या क्या पूछते हैं? 120 क्वेश्चन सारा, जितना यूनानी 5 साल पढ़ते हैं सारा पूछते हैं जी, फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक का। बस यूनानी से ही, उसके अलावा कोई और भी नहीं? मॉडर्न का भी कहे तो मॉडर्न का भी रहता है। ओके सर, आपने कितना अटेम्प्ट करा? हम अभी फ्रेशर है, फ्रेशर है अभी हम। अच्छा, फ्रेशर, इंटर्नशिप चल रहा है हमारा। ओके, ऑल द बेस्ट जी, थैंक यू। एस किया है? नहीं, मैं बीएमएस। बीएमएस की, कहाँ से बीएमएस किया आपने? ZHUMCH। ठीक है, सिवान से। ठीक है, वही लोग फिर एग्ज़ाम देते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। जी। कैसा सवाल आता है पोस्ट ग्रेजुएशन में? वो वही जो सिलेबस पढ़ाते हैं 5 साल, उसी में से आता है। उसी में से? ठीक है, कितने सवाल आते हैं टोटल? टोटल 120 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। ऑब्जेक्टिव सारे? ठीक है, आपने कितने बनाए सर? मैं 90 बनाया। 90 बनाया। क्वेश्चन आपको कैसा लगा, मतलब इजी वन था? इजी था। ठीक है, कितने सीट्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में अमूमन? लगभग अमूमन बिहार में करीब 50 85 केवल? हाँ, बिहार में, केवल बिहार में। ठीक है, आपने 90 कितना बताया अटेम्प्ट? 99। जी। 99 में कितना मतलब इजी सवाल, मतलब कितना करेक्ट होने की संभावना है? 50। ओके, ऑल द बेस्ट। आपने क्या करा है, बीएमएस या बीएमएस? बीएमएस। ठीक है, पेपर कैसा रहा आपका? पेपर तो अच्छा रहा। हेलो। अच्छा, आपने कितना बनाया? मैं 90 बनाया। 90। एंड क्वेश्चंस कैसे रहे? 120 क्वेश्चन, मीडियम में। मीडियम, ठीक है। 90 बनाया आपने, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है क्वेश्चंस का? क्वेश्चन तो सर टफ था। टफ था जी। ओके, सो दिस वॉज द अपडेट। हम कुछ ही कैंडिडेट से बात कर पाए, लेकिन जिन भी कैंडिडेट से बात कर पाए उनसे ये भी पूछा कि अगर अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनको कैसे हेल्प करें, किस तरीके से वो तैयारी करें। इस तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए पटना लाइट, एंड मेक श्योर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।